छोटे? No. Inspector Nirmal Chopra. Bastards! अबे जल्दी कर, क्या कर रहा है? छोटे? इंस्पेक्टर निर्मल चोपड़ा, आप लोगों को बच्ची अगवा करने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। जानते हो शतरंज का खेल दिमाग का खेल होता है? इसमें दो खिलाड़ी खेलते हैं, पर यह खेल मैं अकेला ही खेल रहा हूं। इसमें चाल भी मैं ही चलता हूं और मात भी मैं ही देता हूं। तुम लोग तो साले फुकट में बीच में आ गए। अरे जल्दी कर, हां कर रहा हूं। निकाल दो भाई, छोटे के साथ कर रही। मैंने तुमसे मना किया था ना छोटे, इन कुत्तों पर कभी भरोसा मत करना। भरोसा तो तुम पर भी नहीं है डार्लिंग। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है अपना दिमाग चलाकर। मैंने कहा था ना कि मैं अकेला ही चाल चलने का आदी हूँ। एक चालबाज के साथ दूसरा नो स्वीट नो। नहीं छोटे। हेलो 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 सर, निर्मल चोपड़ा स्पीकिंग। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर निर्मल चोपड़ा। सर आपके लिए एक और गुड न्यूज है, मैंने आपका दिया हुआ एक और केस सॉल्व कर दिया सर। मैंने विजय खन्ना की बेटी विनीता को उन किडनैपर्स के हाथों से रिहा कर लिया सर। उन्होंने मुझ पर गोलियां चलाई पर मैंने उन सबका एनकाउंटर कर दिया सर। आप जल्दी से मडालियन के बंगलो नंबर 16 पर पहुंच जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ सर। अच्छा वेरी गुड, मैं आ रहा हूं। चोपड़ा आपको ये केस सॉल्व करके कैसा लग रहा है? आपने कितने लोगों का एनकाउंटर किया? चार। एक छोटी सी बच्ची को बचाकर आपको कैसा लग रहा है इंस्पेक्टर? ये कौन से आतंकवादी ग्रुप से थे? क्या आप बता सकते हैं कि इन किडनैपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिली? मिस्टर निर्मल चोपड़ा आपको ये केस सॉल्व करके कैसा लग रहा है? इंस्पेक्टर निर्मल चोपड़ा
मिस्टर विजय खन्ना की बेटी को बचाकर आप तो बिल्कुल हीरो बन गए हैं। आपने बहुत बहादुरी का काम किया है इंस्पेक्टर। क्या आपको लगता है कि आपको पदक मिलना चाहिए? आपने बहुत बहादुरी से ये केस सॉल्व किया सर। अब तो इस बच्ची के ऊपर जो इनाम है वो भी आपको ही मिलने वाला है इंस्पेक्टर। एक्सक्यूज मी, आप वो साइड पे जाइए। हमारे निर्मल चोपड़ा साहब वाकई एक इंटेलिजेंट ऑफिसर और हीरो है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपकी बेटी की जान बचाई। साहब, मैंने सिर्फ आपकी बच्ची की नहीं बल्कि आपके 10 करोड़ रुपए भी बचा लिए। नहीं, मैंने जो वादा किया था वो मैं पूरा करूंगा। आपको पैसे जरूर मिलेंगे, बस सिर्फ एक फोन करके आइएगा। थैंक यू विजय साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू विजय साहब। ये तो एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान है कि वो अपना दिया हुआ वादा कभी नहीं भूलता। थैंक यू। तुम्हें मालूम है भी नहीं, मैं बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलता था। 1980 में हमारी टीम ऑल इंडिया चैंपियन रही थी। विजय, स्टॉप दिस गेम। मिस्टर विजय, चले जा, मैं भेजता हूँ पुलिस वाला। आपने अपने दिल के हिस्से और जिगर के पार्ट को, जो कल आपके दिल का हिस्सा थी, आज हमारे। अबे वो केस तो बंद हो चुका है, क्या सुन रहा है? मिस्टर विजय, हाँ किशोर भाई, उसके घर पे मैंने मेरे 2 आदमी भेजे थे। हाँ, अरे मेरे मतलब मेरे घर के नहीं, 2 हवलदारों को भेजा था। उसको पकड़ के लेके आए, लॉकअप में बंद किया है। आप शाम को आइएगा ना। हाँ हाँ, और सुनो, हाँ थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। हाँ, लेकिन याद रखना, इसमें पुलिस को एक मिनट होना चाहिए। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ये आवाज तो सुनी हुई लगती है, जैसे फिल्म बेनाम में प्रेम चोपड़ा, और इसमें जो आवाज है वो इंस्पेक्टर निर्मल चोपड़ा। पहली बार बोला लेकिन काम की बात बोला।